जानते हैं आज के। क्या आपको रेलवे का एशिया खरीदना चाहिए जिसका 19 करोड़ का ऑर्डर बुक है? Q2 25 में कंपनी का कुछ खास प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत शेयर का प्राइस डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या इस रेलवे सेक्टर के शेयर्स में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, रेलवे सेक्टर्स की बहुत सारी कंपनीज को जो है अच्छा खासा बीच में हम लोग को एक तेजी, मतलब शेयर्स में एक तेजी बनता हुआ देखने को मिला था। IRFC देख सकते हैं, रेलटेल देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है रेलवे का जिसने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है। फिलहाल अभी इस शेयर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक डाउन जो है शेयर का प्राइस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इस शेयर को लेकर क्या कहा जा रहा है, क्या इस कंपनी का शेयर यहाँ से तेजी बना सकता है और यहाँ पे क्या अपडेट्स आया है। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पर पूरा बन रही कि फिर स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। आपकी बात है, देखिए ये जो कंपनी है वन ऑफ द नवरत्न रेलवे स्टॉक है जो कि एंगेज्ड है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड स्पेशलाइज जो कि इसका डाइवर्स जो इसका रेलवे प्रोजेक्ट्स वगैरह है। कंपनी का देखते हैं तो स्टॉक जो है लगभग 5.47% के आसपास शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। इसका Q2 25 में कुछ खास प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ है। कंपनी जो यहाँ पे ऑर्डर बुक जो रखा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ऑर्डर बुक है इस कंपनी का, 90,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। स्टॉक का अगर बात करते हैं जो कि रेल विकास निगम लिमिटेड मतलब RVNL, इसका जो है शेयर का प्राइस 5.47% के आसपास यहाँ पे डाउन हुआ है। शेयर जो अभी 477.55 पैसे में ट्रेड कर रहा है। शेयर ओपन हुआ था 448.20 पैसे में, उसके बाद शेयर का प्राइस जो यहाँ पे 477.55 पैसे तक पहुंचा है। करंटली अगर देखते हैं ये शेयर जो है फिलहाल अभी एक अट्रेक्टिव मोड में है। अभी यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL का देखते हैं तो रेवेन्यू जो ऑपरेशन से हुआ है जो कि 1.21% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है कंपनी का रेवेन्यू जो कि 4,940.32 करोड़ से यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है, डाउन होके 4,854.95 करोड़ हुआ है। तो Q2 फाइनेंशियल 24 का मतलब एक साल पहले इसी क्वार्टर का जो इसका रेवेन्यू था वहां से अभी जो रेवेन्यू कंपनी का हुआ है Q2 25 में जहां पे 1.21% के आसपास डाउन हुआ है इसका रेवेन्यू। रेल विकास निगम लिमिटेड का जो नेट प्रॉफिट है जो कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 27.26%। तो कंपनी का रेवेन्यू डाउन हुआ है, कंपनी का जो बोल सकते हैं कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हुआ है। एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर कंपनी का जो बोल सकते कि नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 20.12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम 223.92 करोड़। कंपनी का जो EPS है डिक्रीज हुआ है 26.98%। अभी आप इन टर्म्स ऑफ देखेंगे तो रिटर्न की बात करते हैं कंपनी का RVNL का, जहाँ पे शेयर जो है यहाँ पे ROC करेंटली 20.4% के आसपास एंड यहाँ पे 18.7% के आसपास शेयर ने रिटर्न वगैरह दिया है। अभी यहाँ पे RVNL का देखते हैं तो ऑर्डर बुक को लेके अगर बात करते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है इसको ये स्ट्रांग बनाता है। RVNL का जो ऑर्डर बुक है यहाँ पे देखते हैं तो फाइनेंशियल 25 में देख सकते हैं कि वन फाइनेंशियल 25 में जो कंपनी का ऑर्डर बुक है जो कि देख सकते हैं मतलब 83,000 करोड़ के आसपास था। अभी यहाँ पे इन द पास्ट फ्यू वीक्स कंपनी हैज रिसीव्ड ऑर्डर्स फॉर मोर देन जो कि यहाँ पे 7,000 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑर्डर्स मिला है। मतलब Q1 25 में कंपनी के पास 83,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक था, अभी कंपनी को जो है 7,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये सारे डिटेल्स मिलके देखते हैं तो 9,000 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का ऑर्डर बुक है RVNL का। कंपनी यहाँ पे एम्स टू मेंटेन एन ऑर्डर बुक ऑफ 75,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़। तो अभी यहाँ पे देखते तो एक्सपेक्ट जो है 20,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ एनुअल ऑर्डर इनफ्लो थ्रू बिडिंग। रेल विकास निगम लिमिटेड का अगर देखते तो ऑर्डर्स जो है या फिर ऑर्डर बुक जो है आगे चल के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अभी यहाँ पे RVNL जो है प्लान्स टू बीट फॉर ओवर 150 प्रोजेक्ट्स और 75,000 करोड़। अभी यहाँ पे फाइनेंशियल 24 से लेके 25 में कंपनी जो यहाँ पे नए कुछ बोल सकते हैं जो ऑर्डर्स के लिए या फिर प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे बिड लगा सकता है, जिसका बताया जा रहा है जो मतलब ग्रोथ है या फिर जो जिसका अमाउंट बताया जा रहा है वो जो है 75,000 करोड़ के आसपास है। ऑलरेडी इस कंपनी के पास 90,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है और यहाँ पे अभी 75,000 करोड़ के आसपास जो कंपनी आगे चल के बिडिंग वगैरह लगा सकता है। अगर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का ऑर्डर बुक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अभी यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL जो है जो कि गवर्नमेंट कंपनी है फोकस्ड ऑन बोल सके इंप्रूविंग इंडिया रेलवे सिस्टम, दे बिल्ड न्यू रेलवे जो लाइंस है, कन्वर्ट एग्जिस्टिंग ट्रैक्स टू डिफरेंट जो यहाँ पे वेजेस है एंड मैनेज
इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। आरबीएल जो यहाँ पे ऑल्सो कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस, वर्कशॉप्स एंड मेट्रो सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। गवर्नमेंट का जो ये कंपनी है आरबीएल, इसका बिजनेस देखते तो रेलवे को लेकर जो है बिजनेस इसका और रेलवे सिस्टम में ये काम करता है। अभी यहाँ पे कंपनी जो है आरबीएल जो है इसको लेके जो बोल सकते जो अपडेट्स वगैरह आ रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल सकते कि आगे चल के जो इस कंपनी का पोर्टफोलियो बन सकता है। कंपनी क्या पे देखते हैं आरबीएल का जो बोल सकते कि हैंडल्स प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इंक्लूडिंग प्लानिंग बजटिंग एंड एग्जीक्यूशन। वर्क जो इसका देखती है तो इस वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट्स। अभी यहाँ पे कंपनी का जो टेक्निकल स्किल है जो कि इनोवेटिव अप्रोचेस आरबीएनएल प्लेज अ की रोल इन एनहेंसिंग द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट की ओर से जैसे कि काम किया जा रहा है, एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि रेलवे सेक्टर को बेहतर बनाया जाए। यहाँ पे आरबीएनएल जैसे कंपनी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है रेलवे सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए। कंपनी का जो अभी प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स आगे चल के और ज्यादा मिल सकता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत ज्यादा मिल सकता है। अभी इसका एनुअल जो ऑर्डर के इनफ्लो है, देखिए कंपनी अभी जैसे कि 90,000 करोड़ का ऑर्डर है इसके पास आरबीएनएल के पास, और इसका जो एनुअल ऑर्डर इनफ्लो है बिल्डिंग से जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है आरबीएनएल को, जो कि 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के बीच में है। अभी यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर बुक और मजबूत होगा तो यहाँ पे शेयर अगर किसी ने खरीद कर रखा है, हमें लगता है कि थोड़ा समय होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली अगर बात करते हैं कि आरबीएनएल के शेयर में क्या चल रहा है, टेक्निकली अगर देखते हैं तो टेक्निकली आप देख सकते हैं शेयर जो है एक न्यूट्रल पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। आरएसआई इंडिकेटर कह रहा है जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। मैकडी इंडिकेटर कह रहा है जो शेयर है आरबीएनएल का जो कि बोल सकते एक बुलिश पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। Q2 25 में कंपनी का कुछ खास प्रॉफिट वगैरह नहीं बना है जिसका एक इंपैक्ट हम लोग को आरबीएनएल के शेयर में पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर का प्राइस जो है अभी यहाँ पे डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों, प्रोमोटर्स के ओर से जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोमोटर्स के पास फिलहाल अभी 72.84% का स्टेक है। अभी यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि जो एफआईएस है, एफआईएस के पास देखते हैं तो 3.13% का स्टेक था। FIS ने जो स्टेक इंक्रीज करके, मतलब FIS के पास 3.13% का स्टेक था, FIS ने क्या किया है यहाँ पे स्टेक जो है इंक्रीज किया है। FIS ने स्टेक इंक्रीज करके 5.05% का स्टेक किया। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड के पास 0.19% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने जो स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करके 0.23% का स्टेक किया है दोस्तों। FIS ने स्टेक इंक्रीज किया है, म्यूचुअल फंड ने स्टेक इंक्रीज किया है। अदर इंस्टीट्यूशंस जो है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 6.12% का स्टेक है और पब्लिक के पास 15.78% का स्टेक है। अभी यहाँ पे आरबीएनएल का शेयर का प्राइस अगर देखते हैं तो जो कि लगभग 448 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये शेयर जो फिलहाल अभी एक मतलब बोल सके जो फिलहाल अभी डाउन बन रहा है। तो फिलहाल ये शेयर में ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है कि बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस वगैरह हम लोग रखे आरबीएनएल के शेयर में। टेक्निकली देखते हैं तो शेयर कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है आरबीएनएल को लेके जहां पे कंपनी आगे चल के लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई देखते हैं शेयर को तो आगे चल के जो यहाँ पे तेजी वगैरह देखने को मिल सकता है आरबीएनएल के शेयर में। लॉन्ग टर्म के लिए इसका बिजनेस में जबरदस्त तेजी बन सकता है। आपको कैसा लगता है दोस्तों आरबीएनएल का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पिनऑइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।